लोग उसमें बताए जा रहे थे, और अभी तक क्या कितने लोगों को निकाले? देखिए ये बस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, महाराष्ट्र रोड लाइन्स की थी, और ये इंदौर से पूना रवाना हुई थी और खलघाट के पास सुबह 7:30 बजे रवाना हुई है। 10:30 के बाद आसपास घटना घटी है। करीब 1300 अभी तक बरामद हो चुके हैं। NDRF SDRF की टीम, SP कलेक्टर सारे अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं, और ऐसा बताया गया कि 40-45 यात्री सवार थे, लेकिन एक्चुअल हम इसी बताने की स्थिति में नहीं है अभी कि वहाँ कोई जिंदा शव बरामद नहीं हुआ है। और सुबह 7:30 बजे इंदौर से उसमें करीब 13-14 यात्री सवार हुए थे। क्या प्रथम दृष्टया क्या कुछ नजर आ रही घटना बात हुई? प्रथम दृष्टया हम बताने की स्थिति हम इसलिए नहीं है कि कोई अगर कोई ड्राइवर कंडक्टर कोई भी ऐसा व्यक्ति या बस में सवार कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से हम दुआ कर रहे हैं कोई जिंदा बचे, तो वो स्थिति इस पर बताए या वहाँ मौके पर कोई उस समय खलघाट के आसपास कोई व्यक्ति हो तो बताएं। लेकिन हम लोग अभी हमारा ध्यान इस पर है कि जितने लोग बच सकें सुरक्षित निकालें और शवों को सुरक्षित निकालें। बस के लिए किनारे पकड़ के लगा दिया गया है। दूसरी स्टेट की जो बसें आती है क्या उसको लेकर कोई बात कही जाएगी? बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बस थी तो नियम सहज मतलब तो सारी फॉर्मेलिटी फुल उसमें स्वाभाविक रूप से होंगी, और परमिट हमारे यहाँ से वहाँ से परमिट यहाँ दिया जाता है। अब स्थिति